हेलो दोस्तों, आज हम आपको सुभाष घई सर के डायरेक्टर कैरियर के बारे में बताएंगे। सुभाष घई ने 1976 में आई मूवी कालीचरण से अपने डायरेक्टर कैरियर की शुरुआत की थी। इस मूवी ने भारत में कमाई की 2,20,00,000। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 4,50,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 1978 में सुभाष घई की मूवी आई विश्वनाथ। इस मूवी ने भारत में कमाई की 2,00,00,000। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 4,00,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1979 में सुभाष घई की मूवी आई गौतम गोविंदा। इस मूवी का बजट 1,50,00,000 रहा। भारत में कमाई 1,10,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1,17,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1980 में सुभाष घई की मूवी आई कर्ज। इस मूवी का बजट 1,53,00,000 रहा। भारत में कमाई 2,75,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 3,90,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी सेमी हिट रही। 1981 में सुभाष घई की मूवी आई क्रोधी। इस मूवी का बजट 2,60,00,000 रहा। भारत में कमाई 2,50,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5,00,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1982 में सुभाष घई की मूवी आई विधाता। इस मूवी का बजट 2,40,00,000 रहा। भारत में कमाई 8,00,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 13,00,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। 1983 में सुभाष घई की मूवी आई हीरो। इस मूवी का बजट 3,00,00,000 रहा। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 17,00,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। 1985 में सुभाष घई की मूवी आई मेरी जंग। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल कपूर, मीनाक्षी, नूतन, जावेद जाफरी और अमरीश पुरी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी हिट रही। 1986 में सुभाष घई की मूवी आई कर्मा। इस मूवी का बजट 2,65,00,000 रहा। भारत में कमाई 7,00,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 13,00,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी सुपर हिट रही। 1989 में सुभाष घई की मूवी आई रामलखन। इस मूवी का बजट 2,83,00,000 रहा। भारत में कमाई 9,00,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 18,00,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। 1991 में सुभाष घई की मूवी आई सौदागर। इस मूवी का बजट 4,50,00,000 रहा। भारत में कमाई 8,75,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 15,70,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। 1993 में सुभाष घई की मूवी आई खलनायक। इस मूवी का बजट 3,75,00,000 रहा। भारत में कमाई 22,85,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 24,10,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। 1997 में सुभाष घई की मूवी आई परदेश। इस मूवी का बजट 10,00,00,000 रहा। भारत में कमाई 34,83,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 40,95,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। 1999 में सुभाष घई की मूवी आई ताल। इस मूवी का बजट 15,00,00,000 रहा। भारत में कमाई 35,63,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 51,15,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 2001 में सुभाष घई की मूवी आई यादें। इस मूवी का बजट 20,00,00,000 रहा। भारत में कमाई 24,48,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 34,58,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 2005 में सुभाष घई की मूवी आई कृष्णा। इस मूवी का बजट 23,00,00,000 रहा। भारत में कमाई 11,92,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 16,39,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2008 में सुभाष घई की मूवी आई ब्लैक एंड वाइट। इस मूवी का बजट 9,00,00,000 रहा। भारत में कमाई 7,34,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने
8,27,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी एक और मूवी आई युवराज। इस मूवी का बजट 48 करोड़ रहा। भारत में कमाई 23,30,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 31,22,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2014 में सुभाष घई की मूवी आई कांची। इस मूवी का बजट 24 करोड़ रहा। भारत में कमाई 3,89,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5,30,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2015 में सुभाष घई की मूवी आई हीरो। इस मूवी का बजट 36 करोड़ रहा। भारत में कमाई 43,36,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 48,18,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। दोस्तों, आपको सुभाष घई सर का डायरेक्टर कैरियर कैसा लगा कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। दोस्तों, थैंक यू।